अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रजा। आप देख रहे हैं रजा स्पीक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अर्ज करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने तो अपने बल्कि गैर भी ज्ञानवापी मस्जिद के हक में हक बात बोल रहे हैं। हिंदू भाई भी मुसलमानों के समर्थन में हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो क्लिप आपके सामने मैं पेश करूंगा, मगर इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं इसी तरीके से मजहब इस्लाम से रिलेटेड खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, अभी जानते ही हैं कि भारत में मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान ही को नहीं बल्कि मजहब को भी टारगेट किया जा रहा है। हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ताजमहल का नाम बदला जा रहा है, कुतुब मीनार का नाम भी बदलने जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर खूब राजनीति चल रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके आप हक बात बोलें, हक की आवाज बुलंद करें, हक का साथ दें। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने हिंदू भाई की वीडियो क्लिप आपके सामने पेश करता हूं कि उस हिंदू भाई ने आखिर क्या बात कही जिसकी वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हो गए। आइए वीडियो में आपके स्क्रीन पर लगाता हूं। वीडियो मुलाहजा फरमा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। की मानसिकता इतनी खराब कर दी कि अगर कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। सरकार ये जानती है कि इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम कराने से हमें वोट मिलता है, और न्यूज चैनल्स जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने से हमें टीआरपी मिलती है। तो दोनों के दोनों 24 की तैयारी है, पूरी तरीके से ये तैयारी है गुजरात की। गुजरात इलेक्शन से पहले ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। जब तक फजीयत इन जैसे पत्रकारों की नहीं होगी ना, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तब तक इन जैसे पत्रकारों को भी चैन नहीं आएगा। कम से कम इन जैसे पत्रकारों के साथ रहते हैं जो निष्पक्ष हैं, इनको देखकर भी तो सीखा करिए। शर्मा, सबसे पहला सवाल यह है कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ के पास जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, इसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों की मानसिकता इस कदर खराब कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने, कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एक मुद्दे के, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के हिंदू और मुसलमान पे आके अटकती है उनकी कहानी, इससे ऊपर वो आगे और इससे आगे कहीं बढ़ ही नहीं सकती है। आपको मैं बता दूं कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब कर दी कि अगर कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया अगर अस्पताल टूट गया तो लोग इलाज कराने कहां जाएंगे। लोगों को मंदिर और मस्जिद की राजनीति में इतना गंदा इलझा दिया है कि कभी शाहीनबाग के अंदर बुलडोजर, तो कभी अयोध्या का मुद्दा, कभी बाबरी मुद्दा, कभी सीएनआरसी, कभी इस देश में अजान और लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा और अजान। आप एक बात मुझे बताइए, क्या सरकार एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट या जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोलने की बात, देश को आगे बढ़ाने की बात, देश की प्रगति की बात, देश की उन्नति, देश के डेवलपमेंट की बात सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार जानती है, और ये बात न्यूज चैनल्स भी जानते हैं, सरकार ये जानती है कि इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम कराने से हमें वोट मिलता है, और न्यूज चैनल्स जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने से हमें टीआरपी मिलती है। तो दोनों के दोनों, चाहे पत्रकार हो चाहे फिर वो इस देश में सरकार हो, दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम पकड़ चुके हैं। नहीं तो अब क्या अयोध्या की तरफ काशी में होने जा रहा है? क्यों होगा ये बताइए ना आप मुझे। तो चल रही है, फोटोग्राफी भी हुई है, वहाँ पे सर्वे के लिए टीम पहुंची है। अरे फोटोग्राफी कराने का शौक तो नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत है, तो उनको थोड़ी बदल देंगे। हालांकि उनको भी 24 में बदला जाएगा, इंतजार करिए आप थोड़ा सा।